दोस्तों वेलकम टू वर्किंग टिप्स यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ये बताएंगे कि एलएनटी स्टार्टर में ये पत्ती लगी होती है, ये जल जाती हैं और इन पर कार्बन आ जाता है, इसको साफ कैसे किया जाए। ये पत्ती जब ज़्यादा फाल्ट हो जाती है तो ये रिपेयरिंग नहीं होती है। इसको रिपेयर करने के लिए हमको इसकी पत्तियों को साफ करना है रेती से, बिल्कुल जीरो नंबर की रेती हो उससे इसको साफ कर देंगे। इसके बाद इसको सभी पत्तियों को धीमे धीमे स्लोली स्लोली इसको साफ करेंगे। आप देखते जाइए किस प्रकार ये साफ हो रही हैं। बता दें आपको कि इनको साफ़ करने के लिए आपको बहुत ही बारीकी से साफ़ करना है। ऐसा नहीं है कि हम रेती चलाकर इसको पूरा ही ये सफ़ेद सफ़ेद पॉइंट लगा होता है इसको हम साफ़ कर दें। इसको साफ़ नहीं करना, बिल्कुल हल्के से हमको इसको साफ़ करना है। अगर ये पॉइंट हट गया तो ये आपकी पत्ती ख़राब हो जाएगी। तो उसी प्रकार से उसी हिसाब से साफ़ करें जिससे मतलब ये छूटे ना, और आराम से इसको साफ़ कर दें सभी पत्तियों को जिससे इसमें कार्बन दिखे ना। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास पेट्रोल है, उस पेट्रोल को एक कपड़े में भिजा करके और इस पत्तियों को साफ़ करेंगे। उस पेट्रोल को एक कपड़े में लगा देंगे, इसको देखिएगा मैंने इस कपड़े में लगा दिया है, और इससे हम सभी पत्तियों को पेट्रोल से साफ़ कर देंगे जिससे ये रेती का कोई भी टुकड़ा होगा वो पेट्रोल से अलग हो जाएगा और पेट्रोल ऐसा होता है जो उड़ जाएगा, इसमें रहेगा नहीं। तो इसलिए मैं इसको पेट्रोल से अच्छे से सभी को साफ़ कर देता हूँ। और हाँ, एक अच्छी बात जो कि आप लोगों को बता दें कि ये जो आपको सफ़ेद सफ़ेद पॉइंट दिख रहा होगा ये कोई एल्युमिनियम का पॉइंट नहीं होता जिसको आप देख रहे हैं, ये कोई एल्युमिनियम नहीं होती है, ये चांदी होती है। चांदी में विद्युत की चालकता बहुत ही अच्छी होती है, इसीलिए इसमें चांदी का उपयोग किया जाता है। इसलिए ये पत्ती बहुत ही महंगी आती हैं। इस पत्तियों का ओरिजिनल अगर आप फैट बाज़ार से लेने जाएंगे तो आपको 850 से 950 रुपये तक के बीच में मिलेगा, इसलिए ये पत्तियां इसलिए महंगी होती हैं। अगर ये इसमें चांदी का पॉइंट नहीं लगा होता तो ये पत्तियां बहुत ही सस्ती होती। पत्तियों में चांदी का पॉइंट लगा होता है इसलिए ये पत्तियाँ महंगी हो जाती हैं। और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।